देखो, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हारने के बाद कोशिश ही ना करना बुरी बात है। कोई भी अपना लक साथ लेकर नहीं आता, वो हमें खुद बनाना होता है। इसलिए वक्त बर्बाद मत करो दिखावे में, वरना जिंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। खुद की सेल्फी लेने से अच्छा है खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ सेल्फी ले। और याद रखना, तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना आजमाने वाले भी होंगे। अगर आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल जाएगी। जिंदगी में जो भी हासिल करना है उसे मौके पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। जिनकी नजरें अपनी मंजिलों पर होती है, उनका ध्यान सिर्फ अपनी राहों पर होता है। वो ये नहीं देखते कि हमारे आसपास के लोग क्या कहते हैं। अपनी जिंदगी के 5 साल अपने सपनों को दे दो, आपकी कामयाबी आने वाले 50 सालों तक आपका नाम लेती रहेगी। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसी तरह कुछ ना करने वालों की भी कभी जय जयकार नहीं होती। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेहनत को हरा सके। जब दुनिया आपको कमजोर समझे, तब आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अरे परवाह मत करो उनकी जो आज तुम्हें देते हैं ताना, झुका देना कदमों में उन्हें। जब आए तुम्हारा जमाना, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती है। जब आप थक जाओ तो आराम कर लेना, लेकिन कभी भी हार मत मानना। देखो, जब ये साल 2023 शुरू हुआ था, तब कुछ न कुछ वादा अपने आप से किया था, कुछ न कुछ वादा अपने माँ बाप से किया था कि माँ, इस साल मैं ये घर की तकलीफें दूर कर दूंगा। पापा, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे भाई, छोटी बहन, तू फीस की टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना, क्या हुआ तेरे वादे का? 6 महीने में ही हवा निकल गया ना। ये घर बनवा दूंगा, वो घर बनवा दूंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा, लेकिन क्या हुआ तेरे सपने का, क्या हुआ तेरे वादे का? फिर से वही आलस, से वही नींद, लेट तक सोने की आदत, सोते सोते फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स में बिजी रहना। जिस जगह पर समय की बर्बादी होता है, पल भर की खुशी के लिए वहीं जाकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने लगा। क्यों, क्या सोच रहा भाई? लगता था ना कि शुरुआत में बहुत टाइम है, पूरे साल अपने पास है। देखा, आधे से ज्यादा साल ऐसे ही निकल गया। मुश्किल से अब कुछ महीने ही बचे हैं, और हर साल की तरह इस साल भी तू पीछे है। कभी सोचा है कि कितना टाइम बचा है तेरे पास? बोलता तो सबको है कि किराए के घर को छोड़ दूंगा, खुद की जमीन लूंगा और एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा और घर की सारी तकलीफें को खत्म कर दूंगा। भाई, एक घर को बनाने में भी 1 साल का समय लग जाता है। कभी अपनी उम्र देखी है? खुद की इनकम देखा है? कभी खुद को कैलकुलेट किया है कि तुझे वो सपनों का घर बनाने में कितना साल लग जाएगा? मैं मानता हूँ कि सपने तेरे बहुत बड़े हैं, और उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास प्लान भी है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे तेरे सपने पर पूरा विश्वास है, लेकिन तेरे मेहनत पर बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से मेहनत करोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। कड़वी है लेकिन सच है। देख भाई, शांत होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी उम्र और इनकम के साथ उनकी उम्र और हेल्थ का भी ख्याल रख लेना, जिन्होंने तुझे इस धरती पर लाया है, जिन्होंने तुझे ये दुनिया दिखाया है, जिन्होंने तुझे इस काबिल बनाया है कि तू जो सोच ले वो तू कर सके, जिनके लिए तू ये सपने देखता है, खुद कामयाब होकर जिनको तू सारी खुशियां देना चाहता है। बस ध्यान देना मेरे दोस्त, तेरी कामयाबी का सफर इतना लंबा ना हो जाए कि जिनके लिए तू कामयाब होना चाहता है वही तेरे पास ना रहे। तेरी भी गिनती उस बदकिस्मत संतानों में ना हो जाए जो जीते जी अपनी अय्याशी और मौज मस्ती के लिए अपने भगवान को ही तकलीफ दे जाए। भाई, इस दुनिया में ना हर कोई एक न एक दिन कामयाब हो जाता है। कामयाबी छोटी हो या बड़ी, वो उसकी सोच पे डिपेंड करता है। किसी के लिए उसकी कामयाबी नौकरी और एक छोटा सा घर, और किसी के लिए खुद का स्टार्टअप या खुद की कंपनी होती है। वो डिपेंड करता है उसकी सोच पर। तू भी अपनी सोच के अनुसार एक न एक दिन वो बन जाएगा जो तू चाहता है। लेकिन वह कामयाबी किस काम की जब उसके साथ वो न रहे जिसके लिए वो कामयाब होना चाहता है? वो कामयाबी किस काम की
जो एक उम्र के बाद मिले। आज की जो एनर्जी है ना, पता नहीं कल ये होगा या नहीं। आज जीने के लिए कितने टाइम है, पता नहीं कल ये होगा या नहीं। आज तू जो अकेला है ना, अरे यही तो काम करने का मौका है, पता नहीं कल ये मौका मिलेगा या नहीं। मेहनत करो, तुम जिसके काबिल हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य भी बदलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको तब तक हरा नहीं सकती जब तक आप खुद से नहीं हार जाते। इसलिए जाओ और मेहनत करो।